ए छोटू, ये प्लास्टिक थैली मत रखो दुकान में, जेल जुर्माना हो जाएगा। पता नहीं है तुमको कि बिहार में प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लग गया है? अच्छा भैया। जी हाँ, क्या आपको पता है कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 14 दिसंबर 2018 से मोटी पतली सभी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसीलिए सामान खरीदने या बेचने के लिए इनका प्रयोग न करें, अन्यथा 5,000 तक के जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है, जिसके लिए जिला स्तर पर सिटी स्क्वाड टीम छापेमारी भी करेगी। इसीलिए प्लास्टिक थैलियों के बदले जूट, कपड़े या कागज की बनी थैलियों का प्रयोग करें। पर्यावरण का मित्र बने, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ए भाई, टमाटर कैसे किलो है? 5,000 रुपया किलो भैया। क्या दिमाग तो ठीक है भैया, आपको तो पता ही है कि बिहार में प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगा दी गई है और इस्तेमाल करने पर पकड़े जाने पर 5,000 रुपया तक का जुर्माना भी लग रहा है। और इसके बाद भी आप प्लास्टिक लेकर आए हैं सब्जी लेने। अब बताइए कि जुर्माने के बाद 1 किलो टमाटर का रेट क्या होगा? बात तो सही कर रहे हो, आज से नो प्लास्टिक। कपड़े का थैला लेकर आऊंगा और तभी सब्जियां लेकर जाऊंगा। जी हां, प्लास्टिक के थैले को करें ना, कपड़े या कागज आदि से बने थैले का प्रयोग करें। पर्यावरण के मित्र बने, सुंदर बिहार, प्लास्टिक थैली मुक्त बिहार। जनहित में जारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।